সকল ভাই বোনদেরকে আমার শুভেচ্ছা। এখানে উপস্থিত সব বড়দের আমার প্রণাম। আপনারা কেমন আছেন? মঞ্চ পর বিরাজমান ভারতীয় জনতা পার্টি কে সবই বরিষ্ঠ নেতাগণ, ইস চুনাও মে হামারা সমর্থন কর রহে হামারে সবই সাথী আর বিশাল সংখ্যা মে পধারে হুয়ে মেরে প্যারে ভাইও আর বহনো, আজ দিল্লি সে বহুত সারে ক্যামেরা কলকাতা পৌঁছে হ্যাঁ, লেকিন আগর এক নজর ইহা ভি কর লেতে তো উনে পতা চলতা কি লহর কিসকো কহতে হ্যায়। হামারে ইহা হাম বচপন সে সুনতে আয়ে হ্যায়, জো বঙ্গাল করতা হ্যায় পুরা দেশ উসকো ফলো করতা হ্যায়। আজ ভি ইয়ে বঙ্গাল জো কর রহা হ্যায় পুরা হিন্দুস্তান ইসি কদমো পর চল পড়া হ্যায় ভাই। বড়ে বড়ে পলিটিক্যাল পণ্ডিত ভী, আরে মে ভী আগর ইহা আকর কে ইতনা বড়া বিশাল জনসাগর না দেখতা তো মে অন্দাজ নহি লগা সকতা কি দিদি কি নৈয়া ডুব চুকি হ্যায়। কমাল কর দিয়া আপনে, কমাল কর দিয়া জি। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मां काली और भवानी भगवान शिव की धरती को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आप सभी एक ऐसी परंपरा के वाहक हैं जिनका राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करना इसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। अनेक वीर सपूतों, अनेक वीर गोरखाओं ने अपने संस्कारों से इस भूमि को सिंचित किया है, देश को प्रेरित किया है। आज भी नए भारत को दिशा देने के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आपने बीजेपी को, इस चौकीदार को हर बार भरपूर साथ दिया है। दार्जिलिंग हो, नॉर्थ बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका स्नेह, आपका समर्थन अभूतपूर्व है। आपके इस मजबूत विश्वास के कारण आपका ये चौकीदार बड़ो बड़ो से भी टक्कर ले पा रहा है। आपके साथ के चलते ही मैं 5 वर्षों में देश को विकास की एक नई गति दे पाया हूं। हां, मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि जिस गति से देश के दूसरे राज्यों में
हम काम कर पाए हुए उस गति से यहां काम नहीं हो पाया है। इसकी वजह जानते हैं आप? मैं पूरे देश में तेज गति से काम कर पाया लेकिन बंगाल में उतनी गति से नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण क्या है? आपने सही फरमाया, पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। साथियों, दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है, वो गरीबी को खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती है? अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का भी यही हाल है, कम्युनिस्टों का भी यही आदत है। इनको गरीबी चाहिए, गरीब चाहिए, गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हित भरा पड़ा है, इसलिए उन्होंने गरीबों के विकास पर ब्रेक लगाया हुआ है। पूरी साजिश करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का भला न हो जाए, वो गरीबी से बाहर न निकल पाए। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ, मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए, उन्होंने गरीबों को लूट लिया। जिस गरीब ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई बहुत विश्वास के साथ चीट फंड वालों को सौंपी थी, उसे अपने साथियों के जरिए तबाह करने का काम, बर्बाद करने का काम दीदी ने किया है। साथियों, गरीब जब बीमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा। गरीब की इसी चिंता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब को कहा कि बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा, आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने क्या किया? दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, गरीब का भला करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी के कारनामों की लिस्ट
बहुत लंबी है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया है। भाइयों और बहनों, ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने गरीब, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, भारत माता की, आप थोड़ा शांत रहेंगे, आपका उत्साह, ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है, ये आपका प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना जारी रखूं। बोलू क्या? लेकिन आप इतने नारे फुला रहे हो, आपका उत्साह इतना जबरदस्त है कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है। ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं भाइयों। ये भाजपा एनडीके की सरकार है जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर, उसने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। इसका मकसद यही था कि मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर खरीदने जा रहा है, लेकिन परिवार का पैसा कोई बिल्डर लूट करके भाग न जाए, इसको रोकने के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के हक को रोकने के लिए हमने रेरा कानून बनाया। लेकिन दीदी ने ये रेरा कानून को लागू करने से ही मना कर दिया। भाइयों और बहनों, आप सभी गवाह हैं कि पहले यही काम ये लेप वाले किया करते थे, अब दीदी ने उनके हथियार पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया है, उसे और धार दे दी है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भी चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी राजनीति पश्चिम बंगाल को गरीब करने पर ही टिकी हुई है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनका मुकाबला एक चौकीदार से है। भाइयों बहनों, बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से ये चौकीदार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम कर रहा है। साथियों, इन लोगों की तमाम अड़चनों के बावजूद गांव-गांव में गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हम तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों को अपना पक्का घर दिया जाए, गांव-गांव में शौचालय बने, बिजली कनेक्शन दिए जाए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए। भाइयों और बहनों,
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के संसाधनों और सम्मान के प्रति आपका ये चौकीदार पूरी तरह से संवेदनशील है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले साथियों की जरूरतों का मुझे पूरा एहसास है। भाजपा सरकार की नीतियों से उन्हें काफी लाभ भी मिला है। ये और हो सकता था अगर दीदी का स्पीड ब्रेकर बीच में ना आता। यहाँ के आदिवासी बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार के नए अवसर, पाइन एप्पल पैदा करने वाले किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मुझे आपकी हर आवश्यकता का पता है। बस मैं ये स्पीड ब्रेकर हटने का इंतजार कर रहा हूं। यहां पर टूरिज्म का तेज गति से तब तक विकास मुश्किल है जब तक कानून व्यवस्था बदहाल है। इसके अलावा कनेक्टिविटी भी टूरिज्म और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एशियन वेस्टर्न हाईवे हो या फिर रेलवे का काम हो, अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच भी जलपाईगुड़ी में स्थापित की गई है। आपका ये चाय वाला यहाँ के चाय बागानों के हित के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है। जिस प्रकार असम में हमारी सरकार चाय बागान वाले लोगों को जीवन के हर चरण पर मदद दे रही है, वही काम हम यहां भी करेंगे। कौंच राजवंशी जैसी जनजातियों की मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, इस बार के चुनाव दो स्पष्ट धाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ ईमानदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदार ही दागदार है। एक तरफ आतंक को करारा जवाब देने वाली सरकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पैरोकार यहां दिखते हैं। साथियों, जब बालाकोट में हमारे सपूतों ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही बालाकोट में घुस करके हमारे जवान वापस आए तो रोना किसको चाहिए था, चिल्लाना किसको जरूरी था, लेकिन रोना कौन किया शुरू? हमारे ही लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। अरे चोट वहां पहुंची है और दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? जितना दर्द इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, उससे भी ज्यादा दर्द ये कोलकाता में बैठी दीदी को हुआ। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी सबूत दे। मोदी को आतंकियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भाइयों और बहनों, मोदी ने जो वो किया, क्या ठीक किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? चौकीदार ने घुस करके वहां मारा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप खुश है कि नहीं खुश है?
भारत के सपूतों को खुली छूट दी। ये मेरा निर्णय आपको मंजूर है, आपको पसंद है, आपको गर्व हुआ, लेकिन दीदी को ये पसंद नहीं आया और ना ही ये महामिलावट के उनके साथियों को ये रास आया। ये सभी महामिलावटी इतना जोर जोर से रोए कि पाकिस्तान में हीरो बन गए, वहां के मीडिया में छा गए। साथियों, एक कैसा भारत चाहते हैं, इनकी मनसा बिल्कुल साफ होती जा रही है। दिल्ली में जब यूपीए की रिमोट वाली सरकार थी, तब आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारे वीरों को खुली छूट नहीं दी। अब वो इनकी आतंक परस्त नीति ऐसी हो गई है कि खुलेआम हमारे सुरक्षा बलों के सैनिकों के खिलाफ ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने देश के सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने के, उनके हौसले को चूर चूर करने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर और हिंसा प्रभावित दूसरी जगहों पर हमारे सुरक्षा बलों को जो एक विशेष अधिकार मिला है उसको हटा देंगे। यानी कांग्रेस ने हमारे वीर जवानों को आतंकियों और पत्थरबाजों के सामने लाचार करने, उनके हाथ बांधने की साजिश रच दी है। ये कैसी सोच है? भाइयों और बहनों, दार्जिलिंग के, पश्चिम बंगाल के तो हजारों सपूत ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्र रक्षा के काम में जुटे हैं। अफवा सुरक्षा बलों के लिए कवच है ताकि वो सही तरीके से आतंकियों से निपट सके, लेकिन क्योंकि इनको अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, सेना के नियम कायदों, देश के नियम कानून पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा वादा करने की हिम्मत ये लोग कर रहे हैं। हमारे वीर जवानों को खतरे में डालने वाली साजिश को आप सभी को नाकाम करना है। नाकाम करोगे क्या? नाकाम करोगे क्या? भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ भाजपा के एमपी बनाने वाले का मत नहीं, सिर्फ नहीं है, आपका वोट सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, लेकिन आपका वोट हमारे देश के सुरक्षा बलों के सम्मान का भी वोट है। साथियों, कांग्रेस की, टीएमसी की, इन सभी महामिलावटियों की यही नीति और रीति रही है कि देश को दशकों से आतंक झेलना पड़ा है, लेकिन आपका एक चौकीदार इनके सामने अब दीवार बन करके खड़ा है। जिस तरह आतंकियों और नक्सलियों पर इस चौकीदार ने निर्णायक कार्रवाई की है, आप आश्वस्त रहिए, ये मोदी है, एक घुसपैठियों को भी छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे शरणार्थी हैं, जो कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल का शिकार रहे हैं, उनके साथ इंसाफ भी यही चौकीदार करेगा। साथियों, मुझे पता चला है कि
कि यहां पर एनआरसी को लेकर अफवाहें फैलाने का काम भी चल रहा है। मैं सभी गोरखा भाइयों बहनों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी इसकी वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। साथियों, मैं से ऐसे हर व्यक्ति को टीएमसी के पेरोल पर घूम रहे हैं, जो टीएमसी के पेरोल पर रह करके आतंक फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति को चेतावनी देता हूं कि उनके दिन अब गिन चुके हैं। बीजेपी की सरकार आते ही निर्दोष नागरिकों को परेशान करने वालों को हिसाब देना ही पड़ेगा और कानून को जवाब देना पड़ेगा। जगाई मथाई का गुंडों और घुसपैठियों का ये गठजोड़ अब पश्चिम बंगाल में खत्म होने के दिन आ चुके हैं। साथियों, आपको वोट देने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आने वाले चुनावों में आप बिना किसी डर से अपना वोट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति से डटे रहिए। आपका हौसला पश्चिम बंगाल का भाग्य बदलने के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चल रही एनडीए सरकार पश्चिम बंगाल को दीदी के स्पीड ब्रेकर से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल के हितों की रक्षा के लिए, यहां के गौरव की रक्षा के लिए, यहां की संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी को वोट देंगे। और यहां जो उम्मीदवार है, इसमें एक हमारा राजू है, दो दशक से मैं इसको जानता हूं, दो दशक से। ये हमारे तीनों साथी आपके ही संतान हैं, आपके ही साथी हैं, आपकी समस्याओं का इन्हें पता है। ये आपका पूरा ध्यान रखेंगे, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। भाई और बहनों, बीजेपी और उसके साथियों के उम्मीदवारों को दिया हर वोट, आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। आपके वोट से ही मोदी जीतने वाला है। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं एक नारा बुलवाऊंगा, बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके, बोलेंगे मुट्ठी बंद करके, बोलेंगे पूरी ताकत से, बोलेंगे मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं, मैं भी आप बोलेंगे चौकीदार, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में, युवा नौजवान, माता बहने, बड़े बुजुर्ग, खेत खलिहान में, बाग बगीचे में, हिंदुस्तान में, सीमा पर भी, देश का भविष्य, देश के उजला काल, आपका सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।